हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सब लोग एक्साइटेड हो ना? ओके, सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस किड्स, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट बुक में देखा था और आपने आई होप उसकी एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में कंप्लीट कर दी होगी। तो आज हम वर्कबुक की प्रैक्टिस करेंगे। वर्कबुक पे प्रैक्टिस हम साथ साथ में करेंगे। जो मैं आपको करवा रही हूँ वही आपको वर्कबुक में सुन सुन के प्रैक्टिस करनी है। सो बी रेडी फॉर लर्निंग, लेट्स स्टार्ट। यस बच्चों, लुक एट हियर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, आज हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Measure the length of the given object by using body parts. Yes, जो दिए गए objects है उसको body parts से measure करना है। For example, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? Pencil box. Using finger. Pencil box की length आपको finger use करके करनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे मेरी फिंगर यूज करती हूँ, आप आपकी करना। आंसर में भी वेरी है ना, क्योंकि आपकी फिंगर और मेरी फिंगर में डिफरेंस है। सो इट इज 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। सो आंसर का क्या आएगा? 4। राइट डाउन, आपकी मे बी 5 to 6 फिंगर आएंगी। ओके, फिंगर्स। सो इसकी लेंथ कितनी हुई? 4 फिंगर। अभी शू बॉक्स है, यूजिंग फुट स्पैन। तो आपके फुट को यहाँ पे बॉक्स के बाजू में रखना है। सो मेरा फुट तो मे बी ये बॉक्स में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे 1 फुट लिख दूंगी। ओके, आपके मे बी 1.5 हो गए। नाउ यूजिंग फिंगर, मोबाइल फोन की हाइट मेजर करनी है यूजिंग फिंगर। सो 1, 2, 3 है ना। सो आंसर क्या हुआ? 3 फिंगर्स। ओके, सो आंसर इज 3 फिंगर्स। हैंड स्पैन, तो बच्चों ये टेबल की आपको लेंथ करनी है। सपोज आपका हैंड स्पैन यू नो नो? यस, अभी ये पिक्चर का है इसलिए इसमें तो हैंड स्पैन कैसे करेंगे। सो टेंटेटिवली आपको कैलकुलेट करना है कि आपका 1 हैंड स्पैन इतना होगा, 2nd, 3rd, 4th। सो 4 हैंड स्पैन्स, ओके इज द आंसर। ओके, पर आपको पता है कि मेजरमेंट करना है तो 1 हैंड स्पैन होता है। ओके, सो लाइक दैट आपको मेजर करनी है। ओके, हाउ मेनी, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बैंगल्स कैन बी लाइन अप इन द रॉड। अभी रॉड पे कितने बैंगल्स आएंगे? तो आप देख रहे हो 1 बैंगल की विड्थ इतनी है, तो सेम मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी। ओके, सो 1 बैंगल, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 और ये 3 मिलके कितना हुआ? 8। सो राइट डाउन हियर, 8 बैंगल्स। ओके, नाउ आगे देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बाउल्स कैन बी प्लेस ऑन दी सेल्फ। ओके, सो यहां से यहां तक का 1 सेल्फ है, उसमें कितने बाउल्स आएंगे? तो बच्चों देखो, यहां से 1 बाउल का विड्थ लेंथ इतना हुआ, 2nd, 3rd,
So same 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So write down here 7 bowls. Okay, वन सेल्फ में कितने आएंगे? 7 bowls. आप यहां पे ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो. ओके, सी सब एक जैसे लिख जाए ना. ओके, सो 7 bowls हो गए. नाउ हाउ मेनी बुक्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन ऑन दिस टेबल? यस बच्चों, आप देख रहे हो बुक की इतनी एक लेंथ है. सेकेंड, फिर वैसे ही इक्वल मार्किंग्स करनी है. है ना? तो यहां पे कितने आएंगी बुक्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. है ना? सो 7 बुक की इतनी इसकी टेबल की लेंथ है. सो राइट डाउन हियर 7 books. ओके, नाउ हाउ मेनी पेंट बकेट्स कैन बी प्लेस इन अ लाइन टू कवर द लेंथ ऑफ द वॉल? कितने बकेट रखेंगे तो उसकी लेंथ कवर होगी? तो बच्चों आप देख रहे हो दिस इज द इतनी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5. सो राइट डाउन हियर 5 buckets. ओके, 5 buckets रखेंगे तो ये वॉल की लेंथ कवर हो जाएंगे. नाउ यूजिंग स्केल मेजर द फॉलोइंग. ओके, इन सेंटीमीटर. सो इसके लिए मुझे क्या लगेगी? स्केल लगेगी. ओके, सो लुक एट हियर. मैंने 0 कहाँ पे स्टक किया है? यस, दिस इज माय 0 point. एंड यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 7.5. सो राइट डाउन हियर 7.5 centimeter. ओके, नाउ बुक की लेंथ आपको मेजर करने बोली है तो ये लाइन पे 0 मार्किंग करनी है और इट इज एंड पॉइंट इज हियर. सो इट इज 1, 2, 2.1, 2. है ना? सो 2.2 centimeter इतनी उसकी लेंथ हुई. नाउ इंक पेन की कितनी लेंथ हुई मेजर? नाउ लुक एट हियर. सी यहाँ पे 0 point रखा है एंड यहाँ पे एंड पॉइंट है ना? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 2, 3. सो राइट डाउन हियर 7.3 centimeter. ओके, नाउ मार्कर की कितनी मेजरमेंट है? काउंट इट. यस, 0 point यहाँ पे है एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज हियर एट 0 एंड एंड पॉइंट इज हियर एट 5 centimeter. सो इट इज 5 centimeter. ओके, नाउ लुक एट हियर. थर्मस की लेंथ कितनी है? तो यस, मैंने क्या किया? 0 point यहाँ पे रखा एग्जैक्ट और ये कितना हुआ? 7.5 and 6, 7. है ना? सो 7.7 centimeter इज द लेंथ. यूज द सेंटीमीटर स्केल टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ. है ना? अभी आपको फॉलोइंग लेंथ कैलकुलेट करनी है. ओके, सो आपको फ्लाई की हाइट लेंथ अरे मेजर करनी है. सो ये 0 point हुआ
और आगे का एंड पॉइंट कहाँ पे आता है, वो इट इज 1.567 एंड 8, सो 1.8 इतनी उसकी लेंथ हुई, उसकी हाइट हुई। अभी स्पैरो की हाइट कितनी है वो मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, जीरो को मैंने देखो यहाँ पे रख दिया। नाउ 3.1, सो राइट डाउन हियर 3.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये बुक सेल्फ है तो यस, इसकी हाइट कितनी हुई, सी 0 से लेके 7 तक, सो 7 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। नाउ प्लांट की हाइट कैलकुलेट करो, सो 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, सो मार्केट 0 पॉइंट, पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्लांट के लिए ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड गमले की, राइट। सो ये पूरी हाइट अगर देखी जाए, सो इट इज 8 और 8.5, सो राइट डाउन हियर 8.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यूज द सेंटीमीटर साइड ऑफ द रूलर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द मैप बिलो। आपको क्या करना है, स्केल से आपको ये सब डिस्टेंसेस बताने हैं। हाउ लॉन्ग इज द पाथ, नाउ आपको क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द पाथ फ्रॉम द एंट्रेंस टू द स्नेक, वेयर इज एंट्रेंस, दिस इज एंट्रेंस। क्या पूछा है, फ्रॉम द एंट्रेंस टू द स्नेक, एंट्रेंस से स्नेक तक का डिस्टेंस कितना है, तो चलो इसके लिए स्केल यूज करते हैं, 0 से लेके 3 सेंटीमीटर है ना, 0 से 3, सो इट इज 3 सेंटीमीटर, राइट डाउन हियर 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फ्रॉम एंट्रेंस टू द लायन, सो बच्चों एंट्रेंस से स्नेक तक तो हम पहुंच गए थे, इट इज 3 सेंटीमीटर, नाउ आगे का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, 0 पॉइंट से यहां तक कितना हुआ, सी लुक एट हियर 1, 2, 3, 4, 5, सो राइट डाउन हियर 5 सेंटीमीटर। अभी 5 सेंटीमीटर यहाँ है और आगे का 3, तो 3 + 5 इज 8 सेंटीमीटर है ना, सो एंट्रेंस से लायन 8 सेंटीमीटर दूर है। स्नेक एंड पेंगुइन है ना, फ्रॉम स्नेक दी सॉरी फ्रॉम स्नेक टू द पेंगुइन, सो स्नेक से पेंगुइन तक का डिस्टेंस कितना है, यस इट इज एग्जैक्ट 3 एंड आगे ये 1, 2, सो इट इज 3.2 है ना, सो 3.2 सेंटीमीटर, राइट डाउन हियर 3.2 सेंटीमीटर। ओके, अभी आगे देखते हैं, फ्रॉम द लायन टू वेल, लायन का पे यहाँ पे, वेल का पे यहाँ पे, सो लायन टू वेल का डिस्टेंस कितना है, इट्स अ 2 सेंटीमीटर है ना, सो राइट डाउन हियर 2 सेंटीमीटर एंड हियर ऑल्सो राइट डाउन 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फ्रॉम द लायन टू टर्टल, सर सी बच्चों लायन टू टर्टल में तो 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, सो 1 सेंटीमीटर। ओके, आपको भी मेरे साथ ऐसे करते करते ये प्रैक्टिस करनी है वर्कबुक की। पेंगुइन टू बियर, यस वेयर इज पेंगुइन, यहाँ पे है ना पेंगुइन, और बियर ऑलरेडी पेंगुइन टू यहाँ तक का, स्नेक तक का उसका 3.2 है और आगे अगर 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो 3.2 + 1 इज 4.2 सेंटीमीटर हो गया,
Now, help the Monica to pick up the route to her school for each week. है ना? Help the Monica to pick up the route to her school to for each week. Each week, her runs should be longer than the week before. Measure each part of the route using the ruler. Yes, आपको क्या करना है? मोनिका का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड कहाँ पे होता है? उसके स्कूल तक का, है ना? So, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस होता है वो देखना है, और एवरी वीक उसका रूट कैसा हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है. तो फर्स्ट वीक उसने कितना किया, कितना दौड़ी वो, चलो कैलकुलेट करते हैं. सी, आपको क्या करना है, जीरो से लेके दिस इज 4 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 4 सेंटीमीटर. दिस इज 1 सेंटीमीटर, राइट डाउन हियर 1 सेंटीमीटर. आगे दिस इज 3 सेंटीमीटर, ओके, सो राइट डाउन हियर 3 सेंटीमीटर. सी, लुक एट हियर, इट इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. ओके, सो रूट ए कितना हुआ, 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, एंड 8 + 4 = 12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ रूट टू देखते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है. यस, इट इज 2 सेंटीमीटर, अगेन इट इज 2 सेंटीमीटर, अगेन आई थॉट इट इज 2 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर. सो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर. ओके, नाउ ये देखो, ये कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. ओके, सो कितना हुआ, 2 + 4 + 4, 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10, सो 10 सेंटीमीटर. दिस इज 2 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ दिस इज 4 सेंटीमीटर. ओके, तो 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, एंड 7 + 4 = 11 सेंटीमीटर. ओके, सो सबसे लॉन्गर रूट उसका कौन से दिन में रहा है, फर्स्ट वीक में. ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स कन्वर्जन, फिलिंग द ब्लैंक्स कन्वर्जन. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज कितना होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ये मीटर होता है, सो एम लिख दिया. 5 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. यस बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, सो 5 मीटर दैट मीन्स कितना होगा, 500 सेंटीमीटर. हुआ 9 याने कितना होगा, 900 सेंटीमीटर. ओके, नाउ 5 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर,
40 सेंटीमीटर एज इट इज रखना है। 5 मीटर मुझे पता है, 500 मीटर दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर इट इज 540, है ना। 9 मीटर दैट मीन्स इट इज 900 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सो इट इज 900 एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, 860 सेंटीमीटर दैट मीन्स 800 का 8 मीटर हो गया एंड 60 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गॉट इट, 900 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, 900 सेंटीमीटर दैट मीन्स 9 मीटर, है कि नहीं। 12 मीटर दैट मीन्स 1200 सेंटीमीटर होता है, यस, प्लस 4 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1204, यस। 9000 सेंटीमीटर दैट मीन्स, 9000 सेंटीमीटर दैट मीन्स यहाँ पे मीटर है बेटा, दैट मीन्स इट इज 90 मीटर। 1700 सेंटीमीटर दैट मीन्स इट इज 17 मीटर, यस, गॉट इट। सी, जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, जब मीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन होता है तब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब 100 से डिवाइड करना होता है। ओके, सो ये दिमाग में रखना है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेंटीमीटर्स और मीटर्स, रीड द फॉलोइंग एंड डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज विल बी मेजर इन सेंटीमीटर और व्हिच विल बी मेजर इन मीटर। नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हैं वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो गए या मीटर में, है ना। आपको पता है जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, ओके, और थोड़ी बिग थिंग्स होती है तो वो मीटर में कैलकुलेट करते हैं, है ना। सो लेंथ ऑफ द एलसीडी स्क्रीन तो वो सेंटीमीटर में होगी, लेंथ ऑफ योर फिंगर तो सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ योर कीबोर्ड ऑफ मोबाइल तो सेंटीमीटर में, लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड ये कितना, यस, मैंने मीटर में कैलकुलेट करके दिखाया था ना, लेंथ ऑफ दिस साड़ी तो मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रक तो मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू नेबर हाउस तो मीटर, लेंथ ऑफ योर पेंसिल तो सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स तो सेंटीमीटर, है कि नहीं। नाउ मेजर द कैमल, तो बच्चों पहले हम है ना कैमल की बैक की मेजरमेंट लिख देते हैं, इट इज 8 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 8 सेंटीमीटर। उसके नेक की मेजरमेंट लेते हैं तो इट इज 2.5 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 2.5 सेंटीमीटर। उसकी बेली की मेजरमेंट बोला है उन्होंने, सो इट इज 4.5678 9, सो 4.9 सेंटीमीटर ये उसका बेली का मेजरमेंट हुआ। फुट का 1 सेंटीमीटर, ओके, हम का कितना है, इट इज 1.4, सो 1.4 सेंटीमीटर। नाउ हमको क्या करना है, यूज द रूलर टू मेजर द पार्ट्स ऑफ द कैमल जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ हाउ लॉन्ग इज द कैमल बैक, कैमल की बैक कितनी लॉन्ग है, सो 8 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन हियर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज लॉन्ग द कैमल्स बैक। Now, how long is the camel neck? Camel का neck कितना long है?
So it is 2.5 centimeter. Write down here 2.5 centimeter is the camel neck. How wide its hump? Hump yani itna height hota hai. Hump ki height uski kitni hai? 1.4 centimeter. How long is its belly? To belly kitni hai? Yani tummy ka part uska kitna hai? Yes, 4.9 centimeter. Now, which is the longest part of the camel? Camel ka longest part kaun sa hai? So, its back. Hai na? Back. Back is the longest part of the camel. Okay. Now, which is the shortest part of the camel? Yes, its foot. Hai na? Foot is the shortest part of the camel. Okay, bachcho. तो यहाँ पे हमारी वर्कबुक की प्रैक्टिस खत्म होती है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.